नमस्कार, पत्रिका उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेता अपने आलाकमान को खुश करने में लगे हैं, तो वहीं कुछ नेता एक दूसरे का पत्ता काटने में भी जुटे हुए हैं। इस बीच बिजनौर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। बिजनौर बीजेपी में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता ने विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया है। भाजपा कार्यकर्ता दुष्यंत चौहान का कहना है कि धामपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी। इस मीटिंग में 2 फरवरी को अमरोहा जनपद में होने वाली अमित शाह के प्रोग्राम की चर्चा होनी थी, लेकिन मीटिंग में किसी बात को लेकर भाजपा विधायक अशोक राणा और दुष्यंत चौहान के बीच कहासुनी हो गई। दुष्यंत चौहान का आरोप है कि पहले तो विधायक अशोक राणा ने उनको थप्पड़ मारा, फिर विधायक अशोक राणा के 8-10 आदमियों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद दुष्यंत चौहान आला नेताओं से मिलकर विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। उधर इस मारपीट को लेकर रात में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई। सीओसीटी ने फोन पर बताया कि दोनों पक्षों ने मारपीट की तहरीर दी है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दुष्यंत चौहान है, मैं बीजेपी किसान मोर्चे का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। मामला ये था कि 2 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं गजोला, उन्हीं के प्रोग्राम को लेकर पार्टी की मीटिंग थी, पार्टी के वर्तमान पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारियों की, PWD गेस्ट हाउस धामपुर में। पिछली विधानसभा चुनाव से पहले, चूंकि मैं भी बीजेपी से विधानसभा से एप्लीकेट था, माननीय अशोक राणा जी भी धामपुर विधानसभा से एप्लीकेट, पार्टी ने मुझे टिकट दिया नहीं, पूरे टिकट दे दिया। इसी करेंसी को लेकर उन्होंने जो है पार्टी की मीटिंग के बीच में, पार्टी के मीटिंग के दौरान बीच में उठकर मेरे से बोले भाई कि तूने मेरे खिलाफ टिकट क्यों मांगा। तो मैंने जो पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सबको अधिकार है पार्टी का टिकट मांगने का, इस बात को लेकर बोला तू बहुत नेता बनता है, बहुत ये करता है वो करता है, तूने मेरे खिलाफ काम उड़ाया है, मेरे खिलाफ टिकट मांगा है, मैं तुझे यू कर दूँगा, मगर स्त्री वो गाली गलौज करने लगे। तो मैं उनसे ये कहता रहा, मैंने भाई तुम्हारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाया, मैं तुमने मुझसे कहा नहीं एक बार भी कभी मेरा चुनाव उड़ाओ तो मैं विधानसभा छोड़ गया अपना, चेतन चौहान के चौहान में चले गया लोग। इसी बात को लेकर भाई उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी और उन्होंने अपना रिवाल्वर की बट निकाल के ना तो मेरे यहाँ मारी, इससे ये खून ये निकला नहीं, तो ये खून है। ये किस किसने मारा आपको? मुझे मारा अशोक के साथी थे 3-4 लोग, और अशोक राणा ने खुद अपना रिवाल्वर की बट निकाल के मारी बट मैंने। क्या चाहते हैं आप? पार्टी, मैंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से फोन पर बात करी है, उनसे मिलूंगा, जिला अध्यक्ष से बात करी है आज भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे। हाँ, मैंने पुलिस कप्तान साहब को तहरीर दी इस मामले। अच्छा, विधायक के जो बने रहे उनका ये कहना है कि तुमने उन्हें मारा है, उन्हें तहरीर दे दी, क्या कहना है इस बारे में? आप कल्पना करोगे जिस जो वर्तमान विधायक हो, बीजेपी का सत्ता का विधायक हो, और मैं वहाँ गया था अकेला, क्या 20-25 लोगों के साथ अकेला कोई व्यक्ति मारपीट करने की हिम्मत कर सकता है? आप कल्पना करो कितनी सच्चाई होगी इसमें। SP ने क्या कहा इस पूरे मामले में? SP साहब ने मेरी बात सुनी पूरी, मेरी तहरीर ली और अशोक राणा के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया उन्होंने, इंस्पेक्टर साहब ने, कप्तान साहब दोनों ने। गाजियाबाद में गैस सिलेंडर लीक होने से बड़ा हादसा हो गया, जहां लोनी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट होने से इमारत भरभराकर गिर पड़ी। घटना देर रात की है, जब लोनी इलाके के इकराम नगर कॉलोनी में स्थित एक मकान में देर रात अचानक ही गैस सिलेंडर फट गया। आनन फानन में लोग राहत और बचाव कार्य के लिए दौड़े और स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। इतना ही नहीं, मलबा ज्यादा होने के कारण NDRF की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन इस दौरान घर में मौजूद एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची और दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये 12:30 बजे तकरीबन आग लगी है। 12:30 बजे आग लगने के बाद फोन कर लिया, सबको फोन कर लिया, कोई ना तो पानी की गाड़ी यहाँ पर आई है, और 3 बजे के लगभग, 3:45 बजे लगभग ये पुलिस वाले और ये लोग आए, समझे। और फिर उसके बाद जब बच्चों को उन्होंने फेंका है, वो लेडीज ने इस तरीके से लेके भागे हम लोग हॉस्पिटल में। कहाँ से बच्चे फेंके गए? ये बच्चे यहाँ से दुमदले से फेंके गए, यहाँ बचाने के लिए। हाँ, बच्चा, उस औरत ने बेचारी ने माँ ने फेंके, किसी और ने नहीं, माँ ने ही फेंके ये बच्चे, समझे। उसे उठा के हम लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। चौकी वालों को कोई, चौकी वाले भी क्या, 100 नंबर पे क्या, 101 नंबर पे क्या, हर किसी को फोन किया, किसी ने कोई नहीं दिखाई दिया चौकी वाला। 3 घंटे में पुलिस आई है, 3 घंटे में, समझे। उसके बाद पानी वाले हेड ऑफिस भी फोन कर लिया, वहाँ पे भी कोई कोई सुनवाई नहीं हुई है। बताइए, जो 12:30 बजे से 3 बजे लोग आ रहे हैं, तो कौन बच जाएगा?
किस तरीके से बचेगा कोई है उस बच्चे उस औरत ने अल्लाह उसे जन्नत से करे उसने किस तरीके से अपने बच्चों की जान बचाई है भाई हम आप भी कहते हैं उस औरत को कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की जान बचाई है लगी उसके बाद बहन पापा में आग लगने के कारण फिर तेल एक डीजल की कट्टी रखी हुई थी यहाँ पर उसने आग पकड़ ली उसके कारण फिर सिलेंडर ने आग पकड़ ली इतने उनकी मिसेज जो देखने के लिए नीचे आई करके तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाओ बच्चों को लेकर मैं खुद कंट्रोल कर लूँगा सब इट है कोई नहीं तो जब वो बोली कि मेरे से बच्चे नहीं जाने वो किसी हाल से थी तो वो लेकर जब बच्चों के साथ ऊपर पहुँचे ऊपर से बच्चों को लेकर पहुँचे इतनी देर में पूरी इमारत नीचे गिर गई इसका मेन कारण हमने 100 नंबर पर भी कॉल करी वाइब्रेटर मतलब सब जगह सब अधिकारियों के पास कॉल करी किसी ने कोई कॉल नहीं उठाई यहाँ 3 घंटे लेट प्रशासन पहुँचा टाइम पे पहुँच जाता ये लगभग 1:30 बजे के आसपास की बात है एक नबील अहमद जो अपनी बेकरी की दुकान नीचे उनकी फैक्ट्री के ऊपर इनके परिवार का सदन करवा ये बेसिकली रहने वाले नटो जिला बुनौर के हैं उनके द्वारा जो अवगत कराया गया है कि इनके यहाँ जो साथ सर्जित वहाँ पर उस पर आग लगी और क्योंकि बेकरी का काम होता था तो उसके कारण और सब चीज़ आग बहुत तेज़ी से फर्स्ट प्रथम तल पर इनका परिवार रहता था तो इनकी जो वाइफ है फातिमा वो अपने इनके 4 बच्चे थे 4 बच्चों में से वो फातिमा वो बच्चों को लेकर नीचे फेंकने लगे और आसपास के लोग और पूरी पहुँच वगैरह पहुँच गई और उस गैस के कारण जो भी प्रथम दृष्टिया जो ये नज़र आया कि फातिमा बेहोश होकर ऊपर ही गिर गई और उसके बाद ये बिल्डिंग तत्काल कोलैप्स कर गई और उसकी सूचना प्राप्त होते ही पूरी पुलिस और प्रशासन की टीम इस NDRF की टीम यहाँ पहुँच गई और उसमें अभी उसकी फातिमा को मलबे से निकाला गया और उसको तुरंत अस्पताल कैजुअल्टी सर कोई अभी कुछ नहीं बताया जा सकता जब तक डॉक्टर एग्जामिन ना कर ले इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता रेस्क्यू ऑपरेशन सर चल रहा है या अभी रुक गया है नहीं अभी तो उसमें फिर हम तो पूरा जब तक क्लियरेंस ना हो जाए तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहा है शामली में छेड़छाड़ के आरोप में दर्जनों युवकों ने एक स्कूली छात्र की लाठी डंडे से सरेआम जमकर पिटाई कर दी इस दौरान बीच बचाव करने आए होमगार्ड को भी युवकों ने नहीं बख्शा युवकों ने होमगार्ड को धक्का देकर अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जमकर पिटाई की करीब 10 मिनट चले मारपीट के मामले में आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई बाद में आरोपी युवक मौके से फरार हो गए वहीं छात्र का कहना है कि वह शामली में कोचिंग करता है जहां उसके साथ एक युवती भी कोचिंग करती है आरोप है कि करीब 15 दिन पहले ही कुछ युवकों ने छात्र पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए देख लेने की धमकी दी थी और उसी के आधार पर उसकी पिटाई की गई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी है पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से भारी बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है वहीं इसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ता दिखाई दे रहा है जहां आज सुबह से ही दिल्ली NCR में काले बादल छाए रहे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सुबह होने के बाद मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है काले काले बादलों के बीच ठंड एक बार फिर दस्तक देने लगी है जिससे लोग भी सतर्क हो गए हैं नोएडा गाजियाबाद समेत कई शहरों में बुधवार का तापमान जहां 60 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं गुरुवार को तापमान बढ़ने के संकेत हैं वहीं आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है अगर मौसम इसी तरह रहा तो स्कूलों की भी छुट्टियाँ हो सकती हैं